देने में लगा। निर्णायक मंडल के नंबर एक के बिहार के रक्षा वाहिनी मुजफ्फरपुर के अभी हम गृह रक्षा वाहिनी के मैदान में खड़े हैं। यहाँ पर अभी अभी 147 ऐसे जवान हैं जिनको प्रशिक्षण देकर आज पासिंग आउट परेड कराया गया है। इसके बाद ये सभी जवान अपने अपने कामों में लग जाएंगे। इनके आप देख सकते हैं, ये वो विजुअल है जिन अभी इन्होंने पासिंग आउट परेड किया है, और इनमें बहुत सारे पुरुष और महिला भी हैं। महिला गृह रक्षा वाहिनी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसी खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है अभी आप पासिंग आउट परेड किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको जॉब मिले, मतलब कहीं भेजा जाएगा नौकरी के लिए, तो क्या मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, करेंगे जहाँ भी भेजा जाएगा पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। नाम क्या हुआ? नाम स्मिता कुमारी। कहाँ से है? मधुबनी जिला, प्रखंड बिस्पी। ऐसे में और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं पूनम देवी, मधुबनी जिला के लदनिया ब्लॉक से हूँ। मैं जो 4 महीना तपस्या की हूँ उसका जो आज परिणाम मिला है, और सत्य निष्ठा से मैं काम करते रहूँगी, अपने प्रयास को जारी रख करके। इसके बाद काम करने का मौका मिलेगा, ऐसे में कैसा खुशी है? बहुत खुशी है, जो कि हमने शायद 11 वर्ष जो तपस्या किए थे, शायद जिसके बदौलत आज हमको ऐसा मौका मिला है, और अपने प्रयास जब हम जारी रखेंगे तब हमको अगला मौका भी मिल सकता है, और अगले मौका का उम्मीद मैं कर रही हूँ। कहाँ से आए? मैं मधुबनी जिला के लदनिया ब्लॉक से हूँ, पूनम देवी। और भी हैं, महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबीता कुमारी है, प्रखंड लोखी से, जिला मधुबनी से। और 2011 में हम सब फॉर्म भरे थे और इनके एग्ज़ाम हुआ था, सब कुछ मेडिकल और सब कुछ हो गया है। 4 महीना से यहाँ ट्रेनिंग गृह रक्षा वाहिनी में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हूँ, और आज जो है सो हम लोगों का फाइनल थी, और इस फाइनल में हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, और जो नियम कानून बताए हैं उस नियम कानून से हम लोग चलेंगे। आगे काम करने का मौका मिलेगा? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसे आगे काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबीता कुमारी, प्रखंड लोकी। हमारे साथ और भी पुरुष जवान हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पासिंग आउट परेड हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। इसके बाद आपको जॉब करने के लिए पुलिस विभाग में भी भेजा जाएगा, ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर आपको नियुक्त किया जाएगा। जी जी। तो वैसे में आप किस तरह इस काम को कीजिएगा? जैसे लगेगा ड्यूटी, अपनी ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से करेंगे। यहां लगेगा वहां जाएंगे। क्या नाम है? वैद्यनाथ कुमार। कहां से है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, राजनगर ब्लॉक। दिल दहल गया था, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव यादव, सबसे पहले मधुबनी जिला से, राजनगर प्रखंड से हैं। कैसा लग रहा है अभी आप पासिंग आउट परेड? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड जॉब, बहुत। इसके बाद विभिन्न जगहों पर आपको नियुक्त किया जाएगा, जैसे उत्पाद विभाग हुआ, पुलिस की टीम हुई, उसमें आपको नियुक्त किया जाएगा। जहां भी दिया जाएगा वहां एकदम ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य, जो आदेश दिया जाएगा उस स्थिति में काम करेंगे। बहुत तन मन धन से काम करेंगे, जितना 12 साल वेट करके काम किया हो ना, उसी ईमानदारी से, जैसे उतना ही जोश से करेंगे। जितना नौजवान में जोश नहीं, उतना हम लोग में अभी जवान है। देखते हैं हमारे साथ महिला सब भी है, 3 बच्चे की माँ सब है, वो सब भी एकदम उत्साह में, हम लोग से बराबरी में है, हम लोग से कम नहीं है। ये लोग भी 800 मीटर दौड़ करके आए हैं सब। बिल्कुल, सब तो एक तरह से, हाँ एक तरफ से कंधे में कंधे मिला के काम करेंगे सारे महिला सब। और बहुत अच्छा है, इतना दिन हम लोग प्रतीक्षा करके आए हैं, इसमें फिजिकल करके आए हैं, और यहाँ जो प्रशिक्षण दिया है वो भी बहुत अच्छा से दिया है, संतुष्ट, एकदम संतुष्ट है। तो आपने देखा, ये पुरुष और महिला जवान हैं, आगे अपना कर्तव्य करने के लिए उत्सुक हैं, और इनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है कि आप अपना बिजी टाइम निकाल करके हम लोगों के पारण परेड में आए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसा कि हम लोग 147 थे, 146 मधुबनी ज़िला और 1 अरवल ज़िला, कुल
नामांकित प्रशिक्षु बिहार गृह रक्षा वाहिनी 147 थे। बहुत अच्छा पालन परेड रहा, आप लोग स्वयं देखे हैं अपनी आँखों से, बहुत अच्छा रहा सर, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और जैसा कि स्वयंसेवी के रूप में माने जाते हैं ये पद, लेकिन हम लोग अब जो है सो इसको स्वयंसेवी की तरह नहीं, जैसे हम लोगों को एक डिपार्टमेंट की तरह इसे मान करके बहुत अच्छी सेवा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी कोई एक संगठन में न काम करके जितने भी विभागीय पुलिस बल के संगठन हैं सभी के साथ कंधों से कंधा मिला करके काम करती है। उसमें हमारे गृह रक्षा वाहिनी अपने सहयोगियों के तौर पर हर एक सुरक्षा कर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करती आ रही है, और अब जो है पूरे और जोश खोश के साथ अच्छा से अच्छा काम करेगी और अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद रफीदुल हुआ और मधुबनी ज़िला राजनगर प्रखंड से बिलोंग करते हैं। आज यहाँ मुजफ्फरपुर जो हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंपस है, यहाँ पर मधुबनी और अरवल ज़िला के टोटल 147 प्रशिक्षु होमगार्ड्स हैं। उनका ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात पारण परेड समारोह हुआ है और 147 टोटल हैं यहाँ पर जो आज पास आउट हुए हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल हैं। और महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये सभी तैयार हैं, अब यहाँ से अपने अपने सभी अपने जो इनके आवंटित ज़िले हैं वहाँ पर ये योगदान देंगे और फिर वहाँ पर जो भी इनको कर्तव्य दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य विभाग है जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ बांटा जाएगा वो अपने कर्तव्य पर योगदान देंगे। और आज से ये सभी प्रशिक्षु बिहार सरकार की सेवा में ये समर्पित हुए हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। परेड काफ़ी प्रशंसनीय रहा है, परेड कमांडर एक महिला गृहरक्षक है और बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है परेड का। और मैं सब इन सभी का उज्जवल भविष्य कामना करता हूं और साथ ही यहां के जो अनुदेशक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, इन सभी का योगदान रहा है, सभी कंट्रीब्यूशन रहा है और सबका मेहनत है। हर एक पॉइंट पर हर एक कर्मी मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा है कि शानदार परेड यहाँ पर दिखी है। और इन सभी का, जितने भी स्टाफ यहाँ पर रहे हैं जिनका परेड जो ट्रेनिंग में रहे हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही मीडिया के बंधु आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप संख्या में आए, आपने इसको कवरेज किया है और प्रचार प्रसार करे हैं, तो आप सभी धन्यवाद। आधुनिकीकरण को लेकर क्या कुछ किया जी? आधुनिकीकरण को लेकर काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुख्यालय स्तर पर। तो इसमें बेसिकली लॉजिस्टिक्स और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुख्यालय स्तर पर हमने प्रपोजल भेजा था, पहले ही सरकार को भेजा गया था। सबसे सर्वप्रथम जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जो ट्रेडिशनल वेपन है, जो 303 Mark IV and Mark III आप देखते आए हैं, इन सबको फेज आउट किया जाएगा। हमने प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा था, सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी मिली है और आवंटन मिला है। पारण परेड कार्यक्रम में जो वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, उनका प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी मिली है और सरकार के द्वारा भी इसको गो अहेड दे दिया गया है। तो आने वाले समय में हमारे जो गृह रक्षक हैं उनके आप ट्रेडिशनल वेपन्स के जगह पर आप मॉडर्न वेपन्स, इंसास है, DR है, AK-47 SLR 9mm पिस्टल्स, इनसे सुसज्जित दिखेंगे। और उससे ये इसलिए किया जा रहा है कि समय के साथ बहुत ज़रूरी है बदलाव। पुराने वेपन्स फेज आउट हैं, कई बार उनमें दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं, और आधुनिकीकरण एक फोर्स का चेहरा और वो पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए इस स्टेप पर इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि एक मॉडर्न चेहरा जो होमगार्ड से बिहार होमगार्ड्स का है, दिनों में हाईटेक दिखेंगे होमगार्ड्स के, बिल्कुल देखेंगे आप लोग। और ये ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती थी। हमारे DG मैडम का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने विशेष ध्यान रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर है। तो इसके लिए यहाँ पर रिटायर्ड हम सभी हमारे जो हर एक जितने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं CTI बिहटा में, इसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर आर्मी के रिटायर्ड जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनको हायर किया गया है और उनकी सेवाएं ली जा रही हैं और उनके द्वारा ही सभी जगह बिहार जो होमगार्ड्स हैं प्लस हमारे जो फायरमैन हैं उनकी आउटडोर ट्रेनिंग जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सन के द्वारा ही की जा रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो रहा है, इनका परेड भी काफ़ी सुधरी है पहले की अपेक्षा में, और एक डिसिप्लिन, जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन आर्मी की होती है, वो इसमें इंकल्केट किया जा रहा है और वही इन्होंने आपके साथ किया है। तो आने वाले समय में निस्संदेह आपको एक नया चेहरा दिखेगा और अभी दिख भी रहा है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देख रहे हैं कई सारे ज़िलों से होमगार्ड्स जहां पर ट्रेडिशनली उनकी नहीं ली जाती थी, अब सभी मांग कर रहे हैं होमगार्ड्स की। अन्य जितने विभागों का है, विधि व्यवस्था है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, इस समय होमगार्ड्स की डिमांड बढ़ी है
और रिक्रूटमेंट हो रही है और फिर अगला फेज का रिक्रूटमेंट भी होगा जल्दी ही। तो फिर इसमें जो हमारे जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले पदों में आपको बड़ी संख्या में बिहार होमगार्ड्स दिखेंगे। परेड को ले जाकर पीछे पंक्तिबद्ध करवा कर रखेंगे विश्राम की स्थिति में। आगे की कार्रवाई के लिए नाम पुकारा जाएगा, तदनुसार आएंगे। अब सुबेदार श्री शशिभूषण जी रस्साकसी टीम को आगे की जो कार्रवाई है पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करने का प्रशस्ति का या और अन्य कार्यक्रम संपादित होंगे।